नमस्कार, मैं महिमा किरण हूँ, आदर्श विद्यालय शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं संधि। ये जो संधि है, प्रारंभ का जो भाग है, हम क्लास 7 और 8 दोनों के लिए इसको पढ़ाएंगे। यानी 7 के विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है और 8 के विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है। तो दोनों ही जो पार्ट इसमें होंगे वह आप दोनों क्लास के लिए होंगे। बाद में जो व्यंजन और विसर्ग संधि होगी वो क्लास 8 के लिए होगी। तो चलिए बच्चों, संधि क्या है शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षा में जो 8 के भैया हैं उनको मैंने संधि क्लास में समझाई थी, उनके दौरान के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलो बच्चों, और कक्षा जो 7 में उनके लिए नया चैप्टर है, इसको हम शुरू करते हैं। बच्चों, हम संधि पढ़ेंगे। संधि सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद संधि विच्छेद क्या होता है ये पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके भेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संधि का अर्थ। संधि होती है योग या मेल। अगर उसको केवल अर्थ पूछा जाता है तो संधि शब्द का अर्थ है योग या मेल, यानी जुड़ना। अब संधि किसके साथ होती है? इस संधि के अंदर दो ध्वनियों, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। तो जो दो ध्वनियां है, जो वर्ण है, उनका जब मेल होता है शब्दों में आपस में, तो ये परिवर्तन संधि कहलाता है। अब तो संधि की परिभाषा क्या हुई बच्चों? संधि की परिभाषा हुई कि जब दो वर्ण आस पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार होता है। विकार का अर्थ क्या होता है बच्चों? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात वर्ण में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन या विकार ही संधि कहलाता है। तो परिभाषा से बच्चों आपके क्लियर हो गया होगा या स्पष्ट हो गया होगा कि संधि वास्तव में क्या है। संधि वर्णों का मेल है, और वर्णों के मेल से वर्ण में ही परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, शब्द है महा और ईश। महा और ईश जब दो शब्दों को जोड़ा गया तो महा का महा और में आ की मात्रा लगी है, तो अंतिम वर्ण आ है जो कि ध्वनि है, और ईश की जो प्रथम ध्वनि है वो। इन दोनों का जब वर्ण हमने संयोग किया, मेल किया, छोड़ किया, तो हमारा वर्ण परिवर्तन होकर के ए बन गया। इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, महा प्लस ईश, आ और ई, इन दोनों का जब मेल हुआ तो ए बन गया। तो यहाँ पर म हे श महेश, तो महेश शब्द की उत्पत्ति की क्या हुई संधि? महा प्लस ईश महेश। अब बच्चों संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद होता है इन शब्दों को या संधि युक्त शब्द को वापिस, यानी विपरीत जो क्रिया होगी उसकी, यानी पुनः अपनी पुनः अवस्था में लाना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद करना, अर्थात इस शब्द को वापिस से अपनी पूर्व यथा अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त वर्णों को पुनः अपनी पूर्व स्थिति या मूल रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। अगर हम वही शब्द को लेते हैं तो वापिस जाता है, तो बच्चों ये स्वर संधि कहलाती है, यानी इसमें स्वरों का ही योग।